अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फन क्लस्टर एंड आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट और विजिट वीज़ा की जो स्कैम है इसके बारे में अपलोड करूंगा। तो वैसे आज जैसा कि ये बहुत ट्रेंड चल चुका है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वाला, ये जो स्कैम है इसका बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों को ये झांसा दिया जाता है कि आपका ख़र्चा बहुत कम होगा, आप वहाँ जा कर जॉब ढूँढें। हालांकि यहाँ पे आके इतना ख़र्चा हो जाता है कि उस खर्चे के बराबर ख़र्चा हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में कभी ना फंसें। अगर आ रहे हैं आपका वहाँ कोई रिलेटिव है दुबई में, आप वहाँ उसके साथ रह सकते हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर आए वहाँ कोई हर्ज नहीं है, वाकई इसमें ख़र्चा कम होता है अगर आपका कोई रिलेटिव हो, कोई हो आपका वहाँ पर, वरना उससे डबल ख़र्चा हो जाता है। क्योंकि यहाँ आजकल की जो रूटीन, यहाँ 800, 500, 600 दिरहम में सिर्फ एक बेड स्पेस मिलती है, मतलब एक कमरे में एक बेड सिर्फ, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर मंथली खाने का 250 से 300 दिरहम पर मंथ, आप अंदाज़ा लगा लें 1200 से 1300 दिरहम का ये ख़र्चा आता है टोटल, बंदा रिहाइश करे वहाँ खाए पिए। तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में कभी रिस्क में ना फंसें, क्यों ये उससे ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है इस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके स्कैम से बचने का तरीका तो यही है सिर्फ कि आप इसको ना हो करें, इसको फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें ना कि आपका अगर कोई रिलेटिव है वहाँ पे, आप उनको फॉलो करें, उनसे पूछें, वहाँ से कंपनी वहाँ होती हैं, उनसे उनको पता होता है, वो रह रहे होते हैं। जैसा कि मैं भी एक इसी तरह के एक फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई और पाकिस्तानी मुसलमान या कोई और इंडियन भाई मेरा इस चक्कर में फंसे, क्योंकि ये इसमें सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। जो हालात मुझ पर गुजर रहे हैं मुझे पता है, और आगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट को चेक कैसे किया जाए, फेक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो निकलते हैं उनको चेक कैसे किया जाए, उनसे भी बचा कैसे जाए। अगर कोई कंपनी का आप मतलब किसी ने एक फ्रॉड कंपनी खोली हुई है तो उसके बारे में कैसे पता करें, उसको किस तरह उसको चेक करें, तो ये भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। और आप ये विज़िट वीज़ा किसी भी टूरिस्ट एजेंसी जो इमिग्रेशन ऑफिस के साथ लिंक्ड हो, मतलब जो ओरिजिनली अपने गवर्नमेंट की तरफ से होती है ना, उनके पास कोई एक सर्टिफिकेट होता है, वो जो उनसे अगर लोगे ना, वो भी इसी प्राइस में देते हैं, उन अपना बचत रखते हैं, कुछ अपना मार्जिन रखते हैं वो भी, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली वो अपना 30,000 पाकिस्तानी तक मिल जाता है। और हाँ, अगर वो आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान से किसी के लिए ले रहे हो, क्या अपने लिए ले रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी 30,000 से 35,000 दिरहम में मिल जाएगा विद टिकट कभी कभी, तो नहीं तो 40,000 45,000 पे वो मिल जाता है जब टिकट्स की रेट्स हाई होते हैं। और ये आप किसी भी इमिग्रेशन से लिंक्ड टूरिस्ट ऑफिस, टूरिस्ट जो ये कंपनीज़ होती हैं, लोगों ने शॉप्स खोल रखी होती हैं, इनके पास जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसी से लें सिर्फ, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल प्राइस पे देगा और उस पर उनका भी मार्जिन होता है, उनको सरकारी फ़ीस भी दी जाती है लेकिन वो अपना मार्जिन रखते हैं। जैसा कि रूटीन है आजकल का, लोग पैसे ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे हैं तो अपना मार्जिन भी वो रखते हैं, लेकिन आपको वहाँ से अच्छी प्राइस में मिल जाएगा बनिस्बत किसी दूसरी टूरिस्ट कंपनी, क्योंकि अभी वो टूरिस्ट कंपनी है ना जो लिंक्ड है इमिग्रेशन ऑफिस के साथ, वो दूसरी टूरिस्ट कंपनी को सेल करेगी जो लिंक्ड नहीं है, जिन्होंने ऐसी फर्जी दुकान खोल के रखी है, वो उनको सेल करेगी, वो अपना मार्जिन रखेंगे, वो अपना मार्जिन रखेंगे, तो रेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बी केयरफुल, कभी भी ख़रीदना हो तो ना तो इमिग्रेशन ऑफिस से ख़रीदें, या फिर अगर कोई आपका बाहर है तो वो टूरिस्ट एजेंसीज़ यहाँ पर हैं, उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट होते हैं, तो अगर आपका कोई बाहर है वहाँ से मंगवाएं, वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपने किसी इनसे ख़रीदना हो एजेंसी, तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें कि सर्टिफिकेट या उनका कोई लाइसेंस वगैरह लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें बहुत धोखाधड़ी हो रही है, जैसा कि आपको पता है, जब मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल करें और इस तरह के फ्रॉड से और स्कैम से, धोखाधड़ी से बच सकें, ताकि कोई उनके माली नुकसान ना हो। जो यहाँ हालात मैं गुजार रहा हूँ मुझे पता है, बस आप दुआ करें इंशाल्लाह मेरा हालात ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही रहूँगा। अपडेट रहें आप, मैं भी अपडेट रहूँगा, आपको वीडियोस नित नई वीडियोस अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।